आप सभी साथियों को बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के क्लास में स्वागत है। बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का यह दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास और हमने लिया है, उस क्लास में लगभग 500 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और आपको बता दूं कि यह दूसरा क्लास है, इस क्लास में भी लगभग 500 से 600 प्रश्न शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि दोनों क्लास मिलाकर आपका 1000 लगभग प्रश्न हो जाएगा। और आपका जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना है इंटर लेवल का, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आप अगर इस दोनों क्लास को कम्प्लीट कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर का नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले प्रीवियस ईयर भी के क्वेश्चन देखेंगे आप तो उसमें 10 से 12 प्रश्न बिहार सामान्य ज्ञान से पूछा है। तो अगर आप ये दो क्लास कर लेते हैं ढाई तीन घंटे का, 1000 प्रश्न को आप रिवीजन कर लेते हो, अगर 10 से 12 नंबर आपका बन जाता है तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दोनों क्लास को अवश्य करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। एक दो बार रिवीजन कीजिए, आपका पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में बिहार एसएससी के पूरे प्रश्न सॉल्व होंगे इस दोनों क्लास से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? पटना है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार की राजभाषा हिंदी है जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल में बटा हुआ है जिसमें जिलों की क्रम से 101, अनुमंडल 534, प्रखंड 8,471 और गांव 45,103 गांव में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध को बिहार की बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कुमारगुप्त प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी चर्चित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थिनिज था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1860-62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य चित्रकला शैली मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूसा चित्रशैली सर्वाधिक उल्लेखनीय थी। ये तीनों चित्रकला शैली आप याद रखिएगा, हमेशा पूछते रहता है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। अगला है, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे।
थे। नेक्स्ट है बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। अगला है बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु मानसूनी है, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। नेक्स्ट है बिहार की बोली को विद्वान ईएम फोस्टर ने बिहारी बोली कहा है। अगला प्रश्न बिहार से परिचय से रिलेटेड है। शासकीय नाम बिहार, स्थापना 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 1912 को स्थापना दिवस 22 मार्च, याद रखिए सारी बातें। राजधानी पटना, उच्च न्यायालय पटना, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, राज्य की अन्य भाषाएं जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका तथा अंगिका। अब इम्पोर्टेंट जो है राज्य के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गुरैया, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय मेधा दिवस 30 दिसंबर, राज्य का महापर्व छठ, सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी जो इसकी ऊंचाई है 18874 मीटर, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का भौगोलिक परिचय जान लीजिए। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार देख सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। आकृति आयताकार है, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई बिहार का उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 52.73 मीटर यानी 173 फीट है। सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। कुल वन क्षेत्रफल भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार 7288 वर्ग किलोमीटर यानी 7.74% है। यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है उसका परसेंट 60.48 है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जिस पे कृषि नहीं होता है वो 17.37% है। उससे गैर कृषि, उससे मतलब जिस पे कोई होता ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, वो है 4.64%। उसके बाद अस्थाई चारागाह जिसमें चराया जाता है 0.19%, विविध पेड़ एवं बगीचा 2.45%, कृषि योग्य बंजर भूमि आपका 0.51%, चालू प्रतिभूमि 6.32%, अन्य प्रतिभूमि 1.50%, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका 64.41 लाख हेक्टेयर है। सोच लीजिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कम वर्षा वाला जगह औरंगाबाद। इसके अलावा देख सकते हैं सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला गया, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। आप इसका राजनीतिक परिचय देख सकते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 जो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, विधानमंडल द्विसदात्मक, विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों स्थित है बिहार में। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। इसके अलावा देख सकते हैं आप प्रमंडलों की संख्या 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये 9 प्रमंडल है, आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। जिला की संख्या 38 है, आप वो देख लीजिए अपने स्क्रीन पे, ये टोटल इतना जिला है आपका 38। अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है, राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45098 है, पुलिस जिला 44 है, 40 सिविल पुलिस जिला है, 4 रेलवे पुलिस जिला, पुलिस स्टेशन 853, 813 सिविल पुलिस स्टेशन, 40 रेलवे पुलिस स्टेशन। आप देख सकते हैं कि महानगरों की संख्या 1 है पटना, जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 534।
इसके अलावा ग्राम पंचायत 8474, ग्राम कचहरी 8463, ग्राम पंचायत सदस्य 115876, ग्राम कचहरी सदस्य 115876, पंचायत समिति सदस्य 11566। इसके अलावा देख सकते हैं कि जिला परिषद सदस्य 1162, ग्राम पंचायत सरपंच 8463, न्याय मित्र 8463, ग्राम पंचायत सचिव 8474, जिला पंचायत राज अधिकारी 38, पंचायत राज अधिकारी 516। देख सकते हैं कि पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण 50% है। नगर निगमों की कुल संख्या 12 है, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा एवं छपरा, ये 12 नगर निगम है। नगर परिषदों की संख्या कुल 47 है, नगर पंचायतों की कुल संख्या 80, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 32, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4621 किलोमीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 चालू मूल्य अग्रिम अनुमति अनुमानित 6,32,180 करोड़ रुपये इसका आंका गया। आप देख सकते हैं बीपीएल परिवारों की संख्या 1.45 करोड़, राज्य में कर्मचारियों की संख्या 435,394, राज्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 571,722। आप देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी एवं गया, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है, खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 2 है, नालंदा नव नालंदा महाविद्यालय और नालंदा तथा बिहार योगी योगा भारती मुंगेर, रिसर्च संस्थानों की संख्या 15 है, महाविद्यालयों की संख्या 815 है, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों की संख्या 10 है। इसके अलावा देख सकते चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 8 है, 6 सरकारी तथा 2 निजी। 2011 के जनगणना के अनुसार देख सकते हैं 10,40,99,452 जनसंख्या, पुरुष 5,42,78,157, महिला 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है बिहार। जिलों की औसत संख्या है यहाँ पे 27,31,701, यानी एक जिला में इतने लोग रहते हैं। शिशु जनसंख्या यहाँ पे 1,91,33,964 0 से 6 वर्ष तक, ये मैं बता रहा हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसी से अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिशु जनसंख्या अभी 17.6% है, शिशु बालकों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में 98,87,239 है, शिशु बालिकाओं की जनसंख्या जिस खबर 92,46,725, शिशु लिंगानुपात 0 से 6, आयु समूह में 935 बालक है प्रति 1000 बालक। दशकीय जनसंख्या वृद्धि देख सकते हैं कि 2,11,943 दशकीय वृद्धि दर 25%, यानी 10 साल में 25% जनसंख्या बिहार की बढ़ जाती है। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि 24%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, 58,38,465 व्यक्ति। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले पूर्वी चंपारण, ये जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद गया। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद है। सबसे छोटा जनसंख्या, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, शेखपुरा में। जनसंख्या घनत्व सबसे, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में प्रथम स्थान बिहार रखता है। इसके अलावा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1,880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह। आप देख सकते हैं कि निम्नतः जनसंख्या घनत्व वाला यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है, 488 प्रति व्यक्ति। कुल साक्षर बिहार में 5,45,000
25,04,553 है, पुरुष साक्षरता 3,16,08,023, महिला साक्षरता 2,08,96,530 है। कुल साक्षरता दर बिहार में टोटल 61.8% है, पुरुष का 71.2% और महिला का 51.5% साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है 73.37%, न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। याद रखिए ये दोनों प्रश्न पिछले एग्जाम में आया था। सर्वाधिक साक्षरता वाले पांच जिले रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले पांच जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। ये न्यूनतम वाले हैं, वो सर्वाधिक वाले हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, निम्न महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। पुरुष का भी सर्वाधिक रोहतास ही, इसलिए रोहतास हर हाल में याद रखिए। पिछले बिहार दरोगा के भी प्रश्न में ये पूछा गया है, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन है आगे, सबसे आगे रोहतास है। निम्नतः पुरुष साक्षरता जिला पूर्णिया है, मतलब सबसे कम साक्षर पूर्णिया में है। लिंगानुपात बिहार का 1,918 है, याद रखिएगा। ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, शहरी लिंगानुपात 895 है, याद रखिए। नहीं रखिए 918 1,000 पर याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1,021 और महिला प्रति 1,000। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला मुंगेर 876 महिलाएँ 1,000 पुरुष पर है। देख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या बिहार में 11.29% है और ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। देख लीजिए ग्रामीण जनसंख्या कितना है। नगरीय जनसंख्या दस की वृद्धि दर 2001 से कितना है आपका 11 तक में आपका यहाँ पर 35.43% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है 43.48%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े जिले हैं, पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय। अब आगे आप देख सकते हैं प्रमुख अभ्यारण्य बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य है। भीम बांध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य और उदयपुर अभ्यारण्य। प्रमुख पक्षी विहार कावर झील पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, सरेमान पक्षी विहार, सुयान पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार। प्रमुख जैविक उद्यान देख सकते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, हरियाबारा हिरन पार्क। प्रमुख नदियाँ कौन कौन से है, गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमल बलान, महानंदा, फल्गु, कर्मनाशा आदि ये सारी नदियाँ हैं। प्रमुख जलप्रपात ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, सुखलहरी जलप्रपात, तामा सिन व धुआं कुंड जलप्रपात, गर्म जल के झरने एवं कुंड, सतधरवा झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड राजगीर में, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड मुंगेर में है। प्रमुख पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ी, रामनगर, दून की पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, रामलीला, प्रेतशिला, राजगीर और गिरिंड की पहाड़ी शेखपुर के समीप स्थित है। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशो के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। शोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्रकृत है। मेगास्थेनिज की पुस्तक इंडिका राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद आर्यभट्ट ने गुप्तकाल में आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है शेरशाह ने काबुलियत व पट्टा पर प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट उसके बाद देख सकते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था।
उसके बाद है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज को सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला जो ऐतिहासिक तथ्य है बिहार से रिलेटेड अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मखदूमते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापन कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहारी और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं सर सैयद अहमद खां सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद नोहानी ने बिहार में नोहानी राज्य की स्थापना की थी। अगला है सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। उसके बाद राजा सिताब राय को बिहार का प्रथम नायाब नाजिम चुना गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। अगला प्रश्न स्वामी सहजन किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार का एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बहावी नेताओं अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अगला प्रश्न है 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। अगला है मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया, शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया। अगला है 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला है 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है बिहार विधान पीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के नेता थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास से मिलता है। अगला प्रश्न संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार में सबसे बड़ा छोटा बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिहार की सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल
अब्दुलवारी पुल कोइलवर में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना है। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला है। अगला प्रश्न बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। अगला है बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र मेला है। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार में सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। बिहार में सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी नदी परियोजना गंडक परियोजना। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप देख सकते हैं कि नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर गंगा। गंगा के किनारे अवस्थित नगर है पटना बक्सर मोकामा भागलपुर मुंगेर। सरयू का नदी के किनारे अवस्थित है छपरा गंडक। गंडक के किनारे हाजीपुर सोनपुर मुजफ्फरपुर और फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है गया। यहाँ पर देख लीजिए भारत रत्न से सम्मानित बिहार के प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में और लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में। आप देख सकते हैं कि महानगरों की संख्या 1 पटना, जिला की संख्या 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8474, ग्राम कचहरी 8463, ग्राम पंचायत सदस्य 115876। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि झरने जलकुंड एवं उनसे उद्गम स्थल। सप्तधारा या सत घरवा कहाँ पर है? राजगीर में। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। सूर्यकुंड कहाँ है? राजगीर में। नानक कुंड कहाँ है? राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में। सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में। रामेश्वर कुंड कहाँ है? मुंगेर में। ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में। जन्म कुंड मुंगेर में और सिंगार ऋषि कुंड भी है मुंगेर में। भरारी कुंड भी मुंगेर में है। इसके अलावा अग्निकुंड गया में है। देख सकते हैं नदियों और उनके उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। घाघरा या सरयू नदी का मचपांचुंग तिब्बत से हुआ है। गंडक नदी का सप्त गंडकी नेपाल से हुआ है। बूढ़ी गंडक का समेश्वर श्रेणी से हुआ है। बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ है। कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ है। कोसी नदी का उद्गम सप्त कोसकी नेपाल से हुआ है। महानंदा का उद्गम मकला दिया राम दार्जिलिंग से हुआ है। कर्मनाशा का उद्गम विंध्याचल पहाड़ी से हुआ है। सोन का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। पुनपुन का उद्गम चौराहा पहाड़ी पलामू से हुआ है। फल्गु का उद्गम हजारीबाग पठार से हुआ है। पंचानिन का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर से हुआ है। आप देख सकते हैं बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत बिहार में सबसे एक नंबर पर आता है नलकूप, दूसरे नंबर पर नहरें, तीसरे नंबर पर तालाब कुआं जलमग्न गड्ढे। पूछा जाता है एक नंबर और दूसरे नंबर तीसरे नंबर तक पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अगला है नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत। तो नलकूप द्वारा बिहार का 55.4% भूमि को सिंचित किया जाता है। नहर द्वारा 34%, तालाब द्वारा सिंचित भूमि 3.2%, कुआं द्वारा सिंचित भूमि 0.5%, अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत है 6.5%। देख सकते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर है। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित वाला भूमि वाला जिला कौन सा है? जमुई है। देख लीजिए कि नहर सिंचाई में अग्रणी जिले रोहतास पश्चिम चंपारण, नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बिहार में प्रमुख अभ्यारण्य देख सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयणी पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। विक्रमशिला गॉड डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य। पंत अभ्यारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार आपका जमुई में है।
अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गया में है भीम बांध अभ्यारण्य, मुंगेर में है विक्रमशिला गॉड डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर में कैमूर अभ्यारण्य, रोहतास में है। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य। पंत अभ्यारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी विहार अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। नागी डैम नकटी डैम पक्षी विहार जमुई में है। सुहानी पक्षी विहार भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। हरियाबारा हिरन पार्क अररिया में है। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत 33.7% है। अगला प्रश्न, गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान दूसरा, पहला उड़ीसा है। बिहार में गरीबों की संख्या 3.69 करोड़ है। बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या 311.63 लाख है। अब यहाँ पे बात कर लेते बिहार में खनिज संसाधन। देखिए पाइराइट आमतौर पर बंजारी रोहतास में होता है, बॉक्साइट खड़गपुर मुंगेर में होता है। इसके अलावा देख सकते हैं टीन देवराज एवं कुर्कखंड गया में होता है। ग्रेफाइट सिमुल लता में पाया जाता है मुंगेर में। अभ्रक गया नवादा जमुई और बांका में पाया जाता है। सेलखरी गया मुंगेर और नवादा में पाया जाता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी मुंगेर भागलपुर में मिलता है। ग्रेनाइट एस्बेस्टस स्लेट सिल्का लैंड मुंगेर में मिलता है। डोलामाइट रोहतास में मिलता है। यूरेनियम गया नवादा में मिलता है। सूरा सारण गोपालगंज सीमान वैशाली मुजफ्फरपुर में मिलता है। सोना पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के प्रमुख फसल तथा उत्पादक क्षेत्र, चावल या धान नंबर एक में, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर आता है। याद रखिएगा गेहूं में टॉप पर दरभंगा आता है, दूसरे नंबर पर गया, उसके बाद रोहतास। मक्का में टॉप पर सारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मुंगेर। जौ में टॉप पर चंपारण, उसके बाद सहरसा, उसके बाद पूर्णिया। मड़ुआ यानी रागी में टॉप पर आता है सहरसा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद सारण। उसके बाद बाजरा में आता है पटना मुंगेर, तब गया। तीसी में आता है पटना भोजपुर गया। राई व सरसों में आता है पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा। तिल में आता है चंपारण व शाहाबाद। अरहर में आता है दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर। चना में आता है भोजपुर बक्सर गया। मसूर में टॉप पर आता है पटना, उसके बाद चंपारण, उसके बाद गया। खेसारी में आता है पटना गया और भोजपुर। इसके अलावा गन्ना में चंपारण टॉप पे आता है, उसके बाद सारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। जूट में पूर्णिया एवं कटिहार आता है। तंबाकू में टॉप पे दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर। आलू में पटना नालंदा और सारण। इसके अलावा बिहार में परिवहन देख सकते हैं कि बिहार में परिवहन का मुख्य साधन सड़क है, रेल है, वायु है तथा परिवहन है, जल परिवहन है। राज्य में कुल सड़कों की संख्या 105,993 किलोमीटर है। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,106 किलोमीटर। उसके अलावा राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 4,857 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है बिहार में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट NH 31। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860-62 में हुआ था। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,400 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे जोनों की संख्या 1, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। राज्य में रेलवे मंडलों की संख्या 4 है, समस्तीपुर दानापुर सोनपुर कटिहार, याद रखिएगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा गया राजगीर प्रस्तावित है, यह भी बना नहीं है। अगला है बिहार की स्थापना सन 1912 में। 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में आया। 1935 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न, बिहार में 38 जिले तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता 63.82% है, जिसमें 73.3% पुरुष, 53.33% महिला। बिहार का लिंगानुपात 1,000 पर 916 महिला है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी और अंगिका है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में 3रा सबसे बड़ा राज्य। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस है।
अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, मुंगेर में सिगरेट कारखाना, मुंगेर में ITCT के अन्य उत्पाद अगरबत्ती माचिस एवं तथा चावल आटा आदि का निर्माण, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल कारेन क्रेन कारखाना जमालपुर में, भागलपुर में सिल्क उद्योग, मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन संयंत्र, बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना। बिहार के कुछ लोक नृत्य देख सकते हैं, जो कर्मा नृत्य बिहार की आदिवासी जनजातियों में कर्मा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है। यह नृत्य फसलों की कटाई और बुआई के समय कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं। मुख्य रूप से झारखंड का नृत्य है। उसका अगला आता है छऊ। यह लोक नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है, जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिगाओं ओजस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालन होता है। इस नृत्य के दो श्रेणियां हैं, प्रथम हथियार श्रेणी जिसमें वीर रस की प्रधानता और दूसरी कालभंगा श्रेणी जिसमें सिंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नृत्य ही भाग लेते हैं। उसके बाद झिझिया नृत्य। यह नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में स्त्रियां गोल घेरे में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती है तथा मुख्य नर्तकी के सिर पर एक घड़ा होता है जिसके ढक्कन पर एक दीप चल रहा होता है। यह नृत्य राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा पर आधारित है। अगला जो नृत्य है वह विद्यापति नृत्य। इस नृत्य में मिथिला के क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य बिहार के धोबी समाज के जातिगत नृत्य है, जो उनके द्वारा अपने मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला है पवरिया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा में किया जाता है, जिसमें पुरुष स्त्रियों की घाघरा चोली पहनकर श्रृंगार करके हाथों में ढोल झांझ मजीरे और खिलौना गीत गाते हुए आकर्षक नृत्य करते हैं। उसके बाद है जोगीरा नृत्य। यह नृत्य होली के पर्व पर किया जाता है, जिसमें ग्रामीण युवक युवतियाँ द्वारा एक दूसरे को रंग अबीर गुला लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। अगला है झरने नृत्य। यह नृत्य बिहार के मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसमें शोक गीतों के साथ नृत्य द्वारा अपने दुख को व्यक्त किया जाता है। अगला है करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। खिडलिंग नृत्य है, ये देख सकते हैं, यह एक अतिथि नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। अन्य नृत्य में देख सकते हैं कि गंगिया माझी धोधो रानी गुंडिन लोढ़ियारी बुलबो घाटो इन्नी बिन्नी देवहर बगुलो कजरी लगुई नृत्य आदि, ये सारे अन्य नृत्य में। उसके अलावा बिहार के लोक नाटक देख सकते हैं, जट जटिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, उसके अकुली बांका आप इसे रोक कर देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए, सामो चकवा, ये सब आपका क्या है, बिहार का लोक नाट्य है। कीर्तनिया नारदी डोमकच, ये सारा आपका लोक नाट्य है। उसके अलावा विदेशिया ये प्रमुख है। इस नाट्य बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर की रचना पर आधारित है। यह नाट्य बिहार की नाट्य विद्या का बहुचर्चित और प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जिसका मंचन राष्ट्रीय प्रेक्षागृह में किया जाता है।